भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, वरना हम भी उनके साथ आगे से किसी भी टूर्नामेंट में उनके साथ नहीं खेलेंगे। ये डायलॉग आप पिछले एक हफ्ते से लगातार सुन रहे होंगे और अभी भी चालू है। तो क्या है वजह कि भारत को पाकिस्तान में खेलना पड़ सकता है? क्यों पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मना करता हुआ आ रहा है? और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें भारत को हटाकर आईसीसी किसी और टीम को एंटर करवा सकता है, और इससे किसको क्या क्या नुकसान होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी जो 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के यहाँ वहाँ उभर रहे हैं। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हम भारतीयता के तहत भारत के हित अहित की बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल, हमारी ऑडियंस भारतीयता की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके साथ किसी भी तरीके का समझौता हमें स्वीकार नहीं है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम क्रिकेट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मौखिक या लिखित रूप से यह साफ कर दिया है कि भारतीय सरकार की सलाह के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इस बात पर पाकिस्तान में हो हल्ला हो रहा है कि ये क्यों, वो क्यों, उनको यहाँ पर क्या खतरा है, भारत सरकार सियासत और स्पोर्ट्स को मिला रही है, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को लेटर लिख करके जवाब मांगा है कि क्यों भारतीय टीम यहाँ पर नहीं आना चाहती। तो चलिए पाकिस्तान को अब अच्छे से रेलते हैं। तो प्यारे पड़ोसियों, सबसे पहली बात, जिस जमीन पर आप रहते हैं, जो जुबान आप बोलते हैं, जिस मिट्टी पर उगा अनाज आप खाते हैं, वो आपको हिंदुस्तान से ही मिला है। तो ये तो भूल ही जाओ कि तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे। रही बात सियासत को क्रिकेट में मिलाने की, तो ये सब आपका ही किया धरा है। 1982 में आपके तत्कालीन कप्तान इमरान खान ने ही कहा था कि भारत के खिलाफ खेलते वक्त मैं कश्मीर की आजादी का सोचता हूँ, भारत के खिलाफ खेलना मेरे लिए जिहाद है। अब आप लोग बोलेंगे कि जिहाद का मतलब मार काट नहीं होता बल्कि धार्मिक काम होता है, तो फिर आपसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं जो सियासत के साथ मजहब को भी क्रिकेट में लेकर के आता है। इस पर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। श्रीकांत पर हमला किसने किया था, हरभजन के धर्म के लिए बचकाना बात किसने कही थी, आज यूट्यूब पर भारत भारत कोहली कोहली बोल करके अपनी दिहाड़ी पूरी करने वाले यूट्यूबर्स जब टीवी में बैठते थे तो मजाल थी इनकी कि भारत की तारीफ कर जाएं। तो दूसरी बात, पूरा भारत हमारी आर्मी के साथ हमेशा खड़ा था और रहेगा, और उनकी शहादत को हम जाया नहीं होने देंगे। शहादत तो दोनों तरफ होती है। तो तुमको अभी ये क्यों लगता है कि भारत को डिप्लोमेटिक रिश्ते भूल करके मैच खेलने आगे आना चाहिए? भले ही ब्रॉडकास्टर्स के $3 बिलियन लगे हुए हैं, लेकिन अपने शहीदों की कुर्बानी को लांघ कर हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। टैक्स आप भी देते हैं, भारत वहाँ जाएगा तो आपका बोर्ड, होटल और भी चीजें अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। इसमें से 60% तो टैक्स में जाएगा, उसका अच्छा खासा हिस्सा आर्मी के पास जाएगा, और उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। अब इससे अच्छा उसका इस्तेमाल बेहतर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में कर लेते तो हमको भी अच्छा लगता, और आपको भी इलाज के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात पाकिस्तान से मैच बाहर करवाने की, तो 2002 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं गई, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आपसे छीन ली गई, और 2011 का वर्ल्ड कप आप भूल गए क्या? और हाँ, न्यूजीलैंड लाहौर के जिस पर्ल कॉन्टिनेंट होटल में ठहरी हुई थी उस पर हमला किसने करवाया? श्रीलंका की बस पर किसने फायरिंग की? इरफान पठान पर कील से हमला किसने किया? श्रीकांत को किसने मैदान में आकर के घूंसा मारा? अजहरुद्दीन पर पत्थर किसने बरसाए? अब यहाँ पर आप लोग मौन हो जाएंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जब आप भारत के अंदर ही भारत पर हमला कर दे रहे हैं तो आपके देश में कौन सा भारतीय नागरिक सेफ महसूस करेगा, खुद बताइए। आपका दोगलापन पूरी दुनिया जानती है, तो अखलाक की बात आप नहीं करें तो अच्छा है। देखिए दोस्तों, असल में सारा खेल पैसे का है। भारत को आईसीसी के शेयर में सबसे ज्यादा 40% मिलता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को 6 या 6.5% मिलता है, उसके बाद जा करके पाकिस्तान को मिलता है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान का यही सवाल रहता है कि ईसीबी और सीए आईसीसी से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि उनको इतना कम पैसा क्यों मिलता है। भाई पड़ोसियों, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। भारत इंग्लैंड और भारत ऑस्ट्रेलिया हर 2 साल में 4 से 5 टेस्ट की सीरीज खेलते हैं, फिर इसके अलावा ओडीआई, टी20, आईपीएल भी। इन सबसे वो दोनों बोर्ड इतना पैसा छाप लेते हैं कि आईपीएल विंडो के आखिर में जाकर के ही कोई सीरीज खेलते हैं, वो भी अपने मेन टीम के खिलाड़ियों के बिना। इस साल के आईपीएल में मैच फीस भी तो है। तो आगे आप इतने समझदार तो हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का जिसको अच्छा खासा ज्ञान है वो आराम से बता सकता है कि क्यों पाकिस्तान भारत को होस्ट करना चाहता है। अरे भाई, अच्छे खासे पैसे खर्च हुए स्टेडियम को दोबारा सजाने में, उनको पता ही नहीं है कि कहां कितना पैसा इन्वॉल्व होने लगा है। पाकिस्तान को मटियामेट करने के लिए उनके एडवाइजर ही बहुत हैं। किसी ने कहा इसको इतना पैसा दे दो, यहाँ पर इतना लगा दो, पर देखो हम कैसे अमीर बोर्ड बनते हैं। अब अमेरिका तो पता नहीं, लेकिन बिना भारत के अगर चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो पीसीबी को खुद को स्टॉक मार्केट में डालना पड़ जाएगा। इसलिए वसीम अकरम ने कहा था कि आपका एडवाइजर यानी कि आपको सलाह देने वाला एकदम सही और सटीक होना चाहिए। तो वापस आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से पर, यानी कि क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स को लेकर बात करते हैं। क्या मायने हैं भारत के वहाँ जाने ना जाने, हाइब्रिड मॉडल के होने ना होने और बाकी उठापटक के। देखिए, जब साल 2012 में भारत ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था
कि भारत टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पीसीबी शिकायत लेकर के आईसीसी के डिस्प्यूट रेजुलेशन समिति के पास गया तो वहाँ के तीनों जजों ने भारत का ही पक्ष लिया। इसके बाद पीसीबी ने कहा था कि हम भारत नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, पहले साल 2016 में और पिछले साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत आई और अच्छे से हार करके वापस गई। चैंपियंस ट्रॉफी को बिना भारत के आयोजित करने को लेकर के पाकिस्तान अगर उतावला है तो विक्रांत गुप्ता ने बोला है कि आप एक बार ये कदम उठा करके तो देखिए कि आपका ये दांव कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन पाकिस्तान वालों का कहना है कि हम भी पुल आउट कर जाएंगे, यानी वो मानते हैं कि बिना भारत उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बीसीसीआई एक पूरा गजेटियर तैयार कर रहा है जिसमें कि बताया जाएगा कि क्यों भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। स्मार्टनेस दिखाते हुए इसमें सिक्योरिटी कंसर्न का जिक्र होने की संभावना ना के बराबर है। यही है असल ट्विस्ट। अब इसमें पिछले कुछ 10 सालों से पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों, भारत में हुए आतंकी हमलों, भारत के बारे में फैलाए जा रहे हिंसक बयानों का एक लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, यानी कि चित भी भारत की और पट भी भारत का। पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप को पीसीबी की जीत माना है। उनका कहना है कि पूरा का पूरा एशिया कप श्रीलंका जाने वाला था, वो तो शुक्र है कि 4 मैच उनको मिल गए। उनके अनुसार जब जयशंकर पहली बार 2016 में मंत्री बने थे तो उन्होंने जयशंकर से 30 से 40 मिनट तक बात की, जिसका मेन मुद्दा क्रिकेट था। नजम सेठी के अनुसार इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि मोदी जी भी क्रिकेट के फैन हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडो पाक मुकाबला हो, लेकिन सियासती मसले जब तक हल नहीं होंगे तब तक मोदी जी परमिशन नहीं देने वाले। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी बोर्ड्स को अपने तरफ करने में लगा हुआ है, जो कि सही भी है, लेकिन तभी तक जब तक बीसीसीआई इसमें एंट्री ना करे। उसके बाद बाकी बोर्ड्स भी भारत की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पैसा बोलता है। दबाव इस वक्त आईसीसी पर ज्यादा है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने $3 बिलियन का भुगतान किया हुआ है और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ है। देखना यह होगा कि क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल में मैच खेला जाएगा, क्योंकि भारत के पाकिस्तान जाने की संभावना ना के बराबर है। और अगर भारत पुल आउट करता है तो फिर तो 3 बिलियन पानी में चले गए। तो हम तो पीसीबी से यही कहेंगे, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। आईसीसी किस दबाव में, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शेड्यूल का ना आता है न पता है। ट्रॉफी को पाकिस्तान टूर करवाया जा रहा है, ऊपर से लोगो भी जारी करके उसके नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है, जिसके फिलहाल कोई मायने नहीं है। भारत में प्लान क्रिकेटर्स और कबड्डी की टीम को भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया गया है। यानी टीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान ज्यादा टेढ़ा बनता है तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत में भी कराई जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी भारत आना ही पड़ेगा। देखिए आगे क्या क्या तमाशा होता है, सभी के शेयर स्टैक पर लगे हुए हैं। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी की हमको कोई दिक्कत नहीं, होस्ट करना है पीसीबी को, होस्ट करवाना है आईसीसी को, हमारा क्या।